दोस्तों, क्या आपके भी बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन अकाउंट में नहीं आए हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अकाउंट में 0 रुपये दिखा रहा है। बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन वॉलेट में पैसे नहीं आ रहे हैं। पैसे हैं वो कहाँ गए? डिपॉजिट करने का वो तरीका है, कैसे डिपॉजिट करते हैं? अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो कैसे वापस आएंगे अकाउंट में? आज की इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। वीडियो को ध्यान से देखते रहें। इस वीडियो में आपको बताएंगे BDG गेम में कैसे पैसे को डिपॉजिट किया जाता है। दोस्तों, पैसे कट गए हैं तो वो वापस कैसे आएंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सही तरीका। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आपके पैसे हुए कटे हुए को कैसे लाना है वॉलेट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वॉलेट में 1 भी रुपये नहीं है। बैंक अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, वॉलेट में 0 शो कर रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको नीचे अकाउंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपल से आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस UID को नंबर कॉपी कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ID होती है, उसको सबसे पहले कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी कर लीजिए एंड उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए 24/7 कस्टमर सर्विस। इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है इस प्रकार से। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइव चैट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये है देखिए। लाइव चैट वाले ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक करेंगे इस प्रकार से। एंड गाइस, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेल्फ सर्विस कस्टमर सर्विस एंड सेल्फ सर्विस बोनस सर्विस। तो आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेल्फ सर्विस कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन पर। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला इंटरफेस है जो देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, वीडियो को ध्यान से देखते रहें, एक एक पॉइंट मिस मत करना। इसमें आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इश्यू लिस्ट, इसमें आपको क्या सिलेक्ट करना है एंड अकाउंट ID यहाँ पर क्या ऐड करनी है, तो इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको इशू सिलेक्ट कर लेना है, अपना जो इशू है। जैसा कि हमारा इशू ये है, डिपॉजिट नॉट रिसीव्ड, जो पैसे कट चुके हैं लेकिन वॉलेट में नहीं आए हैं, इसी बारे में हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। एंड दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे इंटरफेस है जो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपकी जो ID है, ID को जो अभी कॉपी किया था हमने, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है इस प्रकार से। एंड दोस्तों, यहाँ पर जितने आपके अमाउंट कट हुए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है इस प्रकार से। एंड दोस्तों, जो भी आपने पेमेंट किया है उसके बाद UTR नंबर आता है, वो UTR नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये होता है UTR नंबर, इसको भी आपको यहाँ पर फिल करना है। एंड दोस्तों, यहाँ पर रिसीवर UPI ID को फिल करना है। एंड उसका फिर आपको एक रिसिप्ट लेना है, स्क्रीनशॉट या जो इस रिसिप्ट होती है उसको सेव करके आप अपनी गैलरी से सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। एंड दोस्तों, यहाँ पर रिसिप्ट को भी ऐड कर देंगे अपनी गैलरी से। एंड दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप रिसिप्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऑर्डर नंबर को एंटर कर देना है। यहाँ पर जो आपका ऑर्डर नंबर होता है वो यहाँ पर एंटर करिए। एंड दोस्तों, सबमिट इशू वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, नीचे ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपने ये भी कर दिया है सब, तो इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।